Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, दो मंथ चलेंगे वो, अप्रैल और मई 2019 में, और ये लोकसभा के इलेक्शंस हैं। और इन इलेक्शंस में हर पार्टी पावर में आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आ रही है। तो कांग्रेस ने भी एक ऐसी स्कीम का ऐलान किया है, प्रपोज किया उन्होंने स्कीम कि इफ दे आर वोटेड इनटू पावर, अगर उनको हम वोट डाल के पावर में ले आए तो वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हमारा पर्पस है कांग्रेस की वही स्कीम का एनालिसिस करना कि क्या वो स्कीम है, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या वो पॉसिबल भी है और उसके क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कि क्या है ये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना। तो दोस्तों आप देख सकोगे, आपके सामने स्लाइड बनी हुई है, सिंपल है, मैंने बनाई लिख के बना दी है कि सिंपल कैश ट्रांसफर स्कीम है। इसका मतलब क्या है, कुछ मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, उसकी अमाउंट है 72,000 पर ईयर या 6,000 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बीपीएल से नीचे आते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जो पुअर गिने जाते हैं इंडिया में। तो देखिए सिंपल बात है, टारगेट पॉपुलेशन जो हमारी है वो है आपकी 5 करोड़ फैमिलीज। जो 5 करोड़ फैमिलीज जो देश की 20% पुअर लोगों में आते हैं, हमारी कंट्री में अगर हम पॉपुलेशन की रेशियो देखें तो 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी में है। तो पर्पस होगा स्कीम का सिर्फ उनको टारगेट करना। तो बेसिकली क्या होगा, 6,000 रुपया महीना उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ताकि वो पॉवर्टी से ऊपर आ सके। तो एम इसका बेसिकली क्या है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना 2030 से पहले पहले। तो ये कांग्रेस की स्कीम है जो इन्होंने प्रपोज किया है। और इस वीडियो में हम बेसिकली, अभी मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि ये स्कीम है क्या है, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या इसके बेनिफिट है और क्या इसकी नीड क्या है इसकी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं व्हाट इज द बेसिक नीड बिहाइंड दिस स्कीम। तो देखिए सिंपल बात है, नीड आप अपनी सामने स्क्रीन पे देख सकते हो कि नीड क्यों है स्कीम की। नीड देखिए सिंपल बात है, पहले तो आपको पता ही है 20% हमारी जो पॉपुलेशन है या 250 मिलियन लोग जो हैं अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उनको उनकी पॉवर्टी हटाना एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके लिए ऐसी कुछ स्कीम की जरूरत है। दूसरी बात सिंपल दोस्तों है कि हमारे इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप सपोज करो ओल्ड एज में हो, या अगर आप भगवान ना करे आपको कोई डिसेबिलिटी हो, तो आप अगर वर्क नहीं कर पा रहे हो देन आपको सोशल सिक्योरिटी जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं होती। आप अनएम्प्लॉयड हो, आप पुअर बनते जाते हो, आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का यही हाल है। तो ऐसे में कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि जो लोगों को सपोर्ट कर सके, इन केस वो काम नहीं कर सकते, इन केस उनके पास पैसा नहीं है, इन केस वो अनएम्प्लॉयड हैं, या इन केस वो महंगी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमारा सिंपल बात है, अगर हम बात करें तो हमारी जो 90% ऑफ आवर लेबर फोर्स है, जो लोग हमारे काम करते हैं, उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मतलब है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से डिफरेंट होता है, और इसका मतलब होता है कि वो लोग जो अपनी जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनको कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ना ही उनकी कोई इनकम की सिक्योरिटी है, उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, और ना ही उनकी कोई ओल्ड एज का प्रोविजन है, ना ही प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हैं उनके लिए, और ना ही उनके लिए जैसे ओल्ड एज में पेंशन मिलती है वो वाला सिस्टम भी नहीं है, और छुट्टियां भी नहीं होती। ऐसी जो सेक्टर है उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से डिफरेंट है, जो कि गवर्नमेंट का सेक्टर है या और बड़ी बड़ी कंपनीज के सेक्टर है जिनमें मिनिमम वेजेस मिलते हैं, पेंशन मिलती है, मेटर्निटी बेनिफिट मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत ज्यादा है, सोशल सिक्योरिटी सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है। और तीसरी बात देखिए सिंपल बात है, हमारे इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे वो हेल्थ का हो, उसका बहुत बुरा हाल है। जो पुअर लोग हैं उनको अफोर्डेबल हेल्थ एक्सेसिबल नहीं है,
अगर कोई सपोज करो उनको क्रोनिक डिजीज का सामना करना पड़ता है, तो उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपनी डिजीज को, अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकें या अपना इलाज करा सकें, या उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जो महंगी हैं या प्राइवेट हैं, उनमें उनको एजुकेशन दिला सके। तो इस केस में दोस्तों अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसे ट्रांसफर करती है, तो सर्टेनली लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो अफोर्ड कर सकेंगे कुछ ऐसी सर्विसेज जो पहले वो इनकम ना होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों सिंपल बात दूसरी नेक्स्ट आती है इंडिया। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें प्लेन बातों में, इन तीनों को भी आप छोड़ दीजिए रीजंस को, अगर प्लेन बात करें तो इंडिया वेलफेयर स्टेट है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का वेलफेयर करना, लोगों की भलाई करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में। तो हम जब वेलफेयर स्टेट हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो लोग पीछे रह चुके हैं इनकम की वजह से, इकोनॉमिक स्टेटस में या सोशल स्टेटस में, उनको सभी लोगों के साथ एक लेवल पे लेके आए। तो इसमें देखिए हमारा फोकस भी क्या है, अकेला ग्रोथ पे फोकस नहीं है, हमारा ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ पे है, जिसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ बहुत सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। हमारा फोकस है कि अगर कुछ लोग अमीर हो रहे हैं तो उनके साथ साथ कुछ बहुत सारे जो पुअर लोग हैं वो भी अपने इकोनॉमिक स्टेटस में, सोशल स्टेटस में अपना इम्प्रूवमेंट ला सके। तो यही पर्पस के कारण गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ये स्कीम्स लेके नहीं आ सकती। अब देखिए नीड की तो बात हमने कर ली कि ये नीड है, और आपको भी काफी हद तक इन चीजों का पता होगा, माइट भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी होंगी। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करके आपके सामने मैंने बना दिया वीडियो, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या नीड्स है एक 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 प्रॉपर वे में। तो देखिए अब नीड्स तो मैंने बता दी, अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे इस स्कीम के। तो ऑब्वियसली जिनको नीड्स पता चलेगी उनको बेनिफिट्स भी पता चल जाएंगे। पहली बात क्या है, देखिए अश्योर्ड मंथली इनकम। देखिए इससे क्या होगा कि जो पुअर लोग होंगे, जो मान लीजिए कैजुअल लेबर में काम करते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो उनको भी अपनी इनकम की सिक्योरिटी नहीं होती कि हाँ आज आज देखिए अब उनको सिंपल बात है कि आज उनको काम मिल गया, कल हो सकता है उनको काम ना मिले। या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गलियों में अपना सामान बेचते हैं, शहरों में भी और गाँव में भी, तो उनको पॉसिबिलिटी होती है कि एक दिन उनको अच्छी इनकम हो जाए, और अच्छी भी कितनी, थोड़ी बहुत अच्छी सेल हो जाए, और अगले दिन उनकी सेल ना हो। तो इससे क्या होता है कि उनकी इनकम काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है, इससे क्या होता है कि उनकी इनकम वेरी करती रहती है, और उनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि उनकी मंथली इनकम कितनी है। तो देखिए इससे क्या होगा, एक तरह से उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, उनका जो रिस्क है, वो कम हो जाएगा। रिस्क कैसे दोस्तों, कि जब उनके पास फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं होती, तो उनको पॉसिबली अगर कोई ऐसा भगवान ना करे कि कोई इशू आ जाए जिसपे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ जाए, तो वो उस चीज के लिए, उस चीज से वो रिस्क में, हमेशा रिस्क में रहते हैं। तो इस इनकम से वो अपना प्लान कर सकते हैं कि हाँ हमें इतने पैसे तो आने ही हैं, हम ऐसे खर्च सकते हैं, ऐसे हम खुद कमाएंगे, और ये 6,000 हमें मिनिमम आएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो वो अपना सारा कुछ फैमिली की मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि देखिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए पैसा जो है, देखिए हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता, खुशी नहीं मिलती को पैसे से, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है बहुत हद तक। अब सिंपल बात है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड कर सकते हो, आप कुछ ऐसी सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हो जिनको पहले आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सिंपली बात है, अगर सिंपल बीमार भी होते हो तो आप अपनी दवाई ले सकते हो, उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, ओवरऑल क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो उससे आप जो पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं। अब इनकम मिलेगी तो लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, इनकम उनके पास खुद भी होगी और खुद भी वो कमाएंगे, तो उससे वो पॉवर्टी के बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए अभी हमारा इंडिया में आपको मैंने बताया कि बहुत सारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत महंगा, बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बहुत जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सभी को एडमिशन नहीं मिलता,
और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो पुअर लोग होते हैं, जो कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, सिंपली उनके पास पैसा नहीं होता कि वो कोचिंग को अफोर्ड करके सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, जो माने गए हैं इंडिया के इंस्टीट्यूशंस, उनमें दाखिला लें, जैसे IITs हो गया आपके, आपका एम्स हो गया, या PGI हो गए, जो हमारे मेडिकल के फील्ड में जो इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इस केस में क्या होता है कि उनको डिपेंड होना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर पे। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर पे वो डिपेंड तो हो जाए, लेकिन उसमें इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि वो उन प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखें, तो बहुत ज्यादा जो है फीस उनकी, बहुत ज्यादा वो फी चार्ज करते हैं, तो जो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इससे क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं उनको मिल पाती। ये इनकम से क्या होगा, ऑब्वियसली उनके पास उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो इससे देखिए, ये एक बात है। तीसरी बात देखिए, एम्पावरमेंट की बात है। देखिए, इससे एम्पावरमेंट होगी। अब कांग्रेस का मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था दोस्तों, तो उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा था कि हम जो मनी है उसको ट्रांसफर करेंगे वुमेन के अकाउंट में। मतलब अगर हमने 20% लोगों जो पुअर हैं जिनके अकाउंट में पैसा भेजना है, तो मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन होगी कि उस फैमिली की वुमेन के अकाउंट में पैसा भेजा जाए। अब सब इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे एम्पावरमेंट होगी। एम्पावरमेंट से क्या होगा, देखिए सिंपल बात है, अभी हमारी बहुत वुमेन है हमारे इंडिया में, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, या फैमिली पे डिपेंडेंट है, या और मेल मेंबर पे डिपेंडेंट है, बिकॉज वो हाउस वाइफ हैं या घर में रहती हैं। इससे क्या होता है कि उनकी चॉइसेस जो होती हैं लिमिट हो जाती हैं, वो डिसीजंस नहीं ले पाती, वो इंपॉर्टेंट फैसले नहीं ले पाती, बिकॉज बहुत कुछ होना होता है वो पैसे से होना होता है। तो इसमें देखिए एम्पावरमेंट होगी, क्योंकि वुमेन को क्या होगा, वुमेन को पैसे होंगे उनके हाथ में, तो वो डिसीजंस ले सकती हैं। अब सिंपल बात दूसरी भी है कि एम्पावरमेंट और किन की होगी, वो लोग जैसे जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो जो काम नहीं कर सकते और उनको पैसों की नीड है, तो वो भी लोग जब उनके पास पैसे होंगे, लेकिन अब हम बोलते हैं कि काम करना चाहिए, जो लोग काम ही नहीं कर सकते अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, वो फिर बेचारे कैसे करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी भी एम्पावरमेंट होगी, तो इससे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट तो जरूर होगी उनकी लाइफ में। तो जो चौथी बात है वो ये बात है कि इंक्लूसिवनेस, जो चौथा बेनिफिट है, इंक्लूसिवनेस होगी दोस्तों। इससे इंक्लूसिवनेस का क्या मतलब है कि पुअर जो होंगे वो कवर किए जाएंगे। कवर करने से क्या हुआ कि कोई एक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कास्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, जब पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रही है गवर्नमेंट या पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उससे क्या होगा कि सारे पुअर कवर हो रहे हैं। और जो ये है कि हाँ, अब बहुत लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब नीचे रहते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ का बेनिफिट सभी को मिलेगा, सभी लोगों के पास एक मिनिमम इनकम होगी और वो इम्प्रूव करेंगे। अब इससे ये भी है कि कोई हर एक सोशल ग्रुप को ये कवर करेगी। तो ये तो दोस्तों कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने बेनिफिट्स तो आपको बता दिए, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसमें। और मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं होता किसी पार्टी को प्रेज करने का। बहुत सारे मेरे नॉन में लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। लेट मी टेल यू इन वेरी क्लियर टर्म्स, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूं, आप में से कई भी ऐसे होंगे कि हम ऐसी जनरेशन में बड़े हुए हैं, हम ऐसी जनरेशन हैं जिनको देखिए डेवलपमेंट चाहिए, जिनको ग्रोथ चाहिए, जिनको जिनको प्रोस्पेरिटी चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना है। हमें आप जॉब दीजिए, पॉवर्टी इलिमिनेट करिए, अच्छी हेल्थ दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छी जो हमारी अर्बनाइजेशन है, हमें अच्छी फैसिलिटीज दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो यही पर्पस है इस वीडियो का भी, कि न्यूट्रल होके एनालाइज करना। अब देखते हैं, देखिए बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ है, तो देखते हैं चैलेंजेस भी हैं दोस्तों इस स्कीम में बहुत ज्यादा। जैसे पहली बात तो ये है कि पुअर कौन होगा, है ना, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि लोग जो हैं ये लोग पुअर हैं और इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। सिंपल बात है दोस्तों, कोई भी जो इंडिया में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है अभी तक कि हम लोगों की इनकम का पता लगा सकें। लोग जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनकी इनकम होती कुछ है, वो बताते कुछ हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कोई काम तो नहीं करता, बहुत लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं।
और अब जब ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी तो कई लोग तो कोशिश भी करेंगे कि गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जाए, तो वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को जानबूझ के कम शो करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस डाटा पे बेस्ड ये हमें डिसीजन लिया जाएगा कि ये लोग जो हैं, ये 20% जो लोग हैं वो पुअर हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात देखिए ये है कि जो जो भी टारगेटेड स्कीम होती है, जो भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करती है, उसमें क्या होता है कि हमेशा एरर्स आ जाते हैं। एरर्स कैसे आ जाते हैं कि कुछ लोग जिनको नीड भी नहीं होती वो इंक्लूड हो जाते हैं उस बेनिफिट में, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है गवर्नमेंट सपोर्ट की लेकिन वो इंक्लूड नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से लोगों में भी रिजेंटमेंट आती है। बहुत से लोग जो चाहते हो, जो जिनका बनता है, जेन्युइनली बनता है उस चीज उस स्कीम का बेनिफिट लेने का, तो वो अगर उनको नहीं मिलता और उन लोगों को मिल रहा है जिनको मिलना नहीं चाहिए, तो एक तरह से मन में तो गुस्सा आएगा ही दोस्तों। और सिंपल बात है कि अब इनकम इतनी इजी नहीं है आइडेंटिफाई कर पाना, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि एरर तो होंगे कि कुछ लोग जिनको जरूरत भी नहीं है वो बेनिफिट उठाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको जरूरत है वो इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात दोस्तों ये है कि इनकम्स ना बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। अगर अपना यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वेरी होना चाहिए, नॉट VERY, वेरी VARY होना चाहिए। तो वेरी इनकम करती रहती हैं। सिंपल बात दोस्तों कैसे कि आज जैसे पुअर हैं, कोई बंदा आज पुअर है लेकिन कल वो रिच हो सकता है। अगर वो आज रिच है, पॉसिबिलिटी है कि वो कल को क्या हो सकता है, पुअर हो सकता है। सिंपल बात है कि अगर कोई बंदा बीपीएल के नीचे है या बीपीएल के ऊपर है मान लीजिए, और अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो, पॉसिबिलिटी कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा इश्यू हो गया, हेल्थ इश्यू हो गया, या ऐसा कुछ कैजुअलिटी हो गई जो फैमिली में कमाने वाला बंदा था जिनकी वजह से इनकम आ रही थी और जिनकी वजह से पूरी फैमिली बीपीएल से ऊपर थी, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि वो उनको कुछ हो जाए, तो क्या होगा, सिंपली वो लोग क्या होंगे, वो पॉवर्टी में चले जाएंगे, बिकॉज जो अर्निंग हैंड है फैमिली का वो नहीं रहेगा, या कुछ उसको प्रॉब्लम आ जाए बाई चांस, तो वो कमा नहीं पाएगा। तो इससे देखिए कैसे, अब इनकम आज पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग पुअर हों, कल पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे बन जाएं, और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे जो पॉवर्टी के ऊपर हैं वो नीचे भी आ सकते हैं अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है। तो इनकम जब वेरी करती है कंसिडरेबली, तो अब इसमें इशू बहुत ज्यादा बन जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें इससे। अब देखिए सिंपल बात है, इससे इन तीन चीजों से एक चीज सामने निकल के आती है कि भाई इतनी मजे बात चाहे अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन इतना मजे मजे में कुछ नहीं है कि सब कुछ आराम से ही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो इश्यूज तो है ही हैं। एक अब सिंपल इससे चौथा इश्यू क्या बनता है कि एक टफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे जी, अब सिंपल है, आइडेंटिफाई करना को, देखना कि कोई गलती से इंक्लूड ना हो जाए और जिसको जरूरत है वो एक्सक्लूड ना हो जाए, और अपडेट करते रहना रिकॉर्ड को, वो बहुत इशू है। हमारे इंडिया में दोस्तों लैंड रिकॉर्ड्स की भी बड़ी प्रॉब्लम है। लैंड रिकॉर्ड्स हमारे इंडिया में इतने ज्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं है, ये प्रॉपरली नहीं पता कि किसके पास कितनी जमीन है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें लैंड रिकॉर्ड्स की बुरी हालत है। तो उससे अब इससे वही बात है ना कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वही टफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। और सिंपल बात अगली आ जाती है दोस्तों, पैसा तो हम बोल रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन हम रेंज कहां से करेंगे भाई, ये भी बताओ ना, है ना। 72,000 रुपये हर साल देने हैं आपने, आपके पास है क्या, आपके पास अवेलेबिलिटी है 6,000 रुपया पर महीने 20%, 5 करोड़ फैमिलीज को, तो कह देना दोस्तों बहुत आसान होता है, मैं सिंपल बता दूंगा आपको, लेकिन करने और कहने में बहुत डिफरेंस है। और यही प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज्यादा है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो अभी जो रूलिंग पार्टी है या ओपोजिशन पार्टी है, वो प्रोमिसेस तो जरूर करते हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाते उनको। अब सिंपल बात है, मैनिफेस्टो में यह बात करी है कांग्रेस ने, लेकिन अब बात इशू है कि क्या वो इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, और इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी कैसे लेके आएंगे। और सबसे लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है जी, देखिए अब ट्रांसफर कैसे करोगे भाई, ट्रांसफर का भी तो इशू है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिमोट एरियाज में रहते हैं, भारत के उन हिस्सों में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। वहां पे रोड बैंक तो आप छोड़ दीजिए, वहां पे रोड अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं बनी हुई वहां पे जाने के लिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है। तो इससे देखिए सिंपल है कि इशू आता है ट्रांसफर का।
कई लोग ऐसे हैं जिनका जो पुअर है लेकिन उनके बैंकिंग अकाउंट्स नहीं है, उन्होंने अकाउंट्स नहीं खुलवाए हुए बैंक्स में, तो जब बैंक्स में अकाउंट नहीं खुलवाए हुए तो हम उनको कैसे पैसे भेजेंगे, ये भी तो इशू आ रहा है ना, ये भी तो इशू बनता है। तो ये बात भी है, तो ये सारी चीज जो देखिए चैलेंजेस भी हैं। अब सिंपल बात, हमने चैलेंजेस की भी बात करी, हमने और चीजों की भी बात करी, अब हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन की, सॉरी कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें एंड में। तो देखिए कंक्लूजन तो दोस्तों सिंपल है, कंक्लूजन का तो बहुत बड़ा गेम नहीं है। अब सिंपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है कि रिसोर्सेज की भी इतनी बड़ी बात नहीं है, जो पैसे हम देंगे वो भी अरेंज हो जाएंगे, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट का काम ही होता है कि पैसों को अरेंज करना, अगर हम गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो उनको फंड रेज करना होता है। अब सिंपल मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी जीडीपी है उसका जो 6%, जो उसका जो हम अगर प्रोपोर्शन में देखें तो उसका 6% ऐसा ऐसा हिस्सा है जो क्या होता है कि टैक्स कंसेशन की फॉर्म में दे दिया जाता है बिग कॉरपोरेट्स को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं कि उनका उनका जो बिजनेस है, उनका बिजनेस वो बिजनेस करने के लिए वो सक्षम हो, उनको उनके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी या उनके प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते हों। बिकॉज जितने ज्यादा टैक्स लगेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट महंगा होगा और उतनी ही ज्यादा इशू होंगे बाहर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी कंपिटिटिवनेस के, बिकॉज और कंट्रीज भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अब जब और कंट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, अगर उनकी चीज सस्ती हुई तो हमारी तो बिकेगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं, तो जिनकी अब इसमें ये भी है, ये भी बात आती है कि इनकी जरूरत भी है, और लेकिन बट बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनमें जरूरत नहीं है, तो वो 6% बनता है आपका जीडीपी का हिस्सा। और हम अगर इसकी बात करें स्कीम की, तो ये जीडीपी को कोस्ट करेगी 2% सिर्फ, जो 2% मतलब 1/3 होगी जो हम कंसेशंस देते हैं बिग कॉरपोरेट्स को। तो हम जैसे कुछ रैशनलाइज करके, है ना, कुछ भी अरेंज करके इन इन रिसोर्सेज को तो हम अरेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट अरेंज कर सकती है ना। अब एज रिसोर्सेज की इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी भी सिंपल बात कंक्लूजन में ये भी आती है कि देखिए वेलफेयर स्टेट है हमारी सरकार, क्या है, चाहे कोई भी पार्टी रूलिंग हो उसकी जिम्मेवारी है वेलफेयर करना लोगों का। अब इस वेलफेयर में स्टेट को, गवर्नमेंट को इंटरवीन तो करना होगा, उसको इंटरफेरेंस तो करनी होगी, अगर अगर हम चाहते हैं ट्रूली इंक्लूसिव इंडिया जिसमें हर एक को बराबर हक हो। तो इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है स्कीम में, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, गलत इश्यूज हैं जरूर हैं, चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। बिकॉज अल्टीमेटली अब हम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का भला करना, और ये चाहिए भी। अब सिंपल तीसरी बात ये है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए इनकम तो आप सपोर्ट दीजिए, वो चाहिए कोई बात नहीं, अब दीजिए, रिसोर्सेज भी अरेंज हो जाएंगे, जरूरत है वो भी सही बात है, लेकिन इशू ये भी है कि देखिए अगर आप रिसोर्सेज ऐसे रेज करते हो कि और स्कीम्स जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी एजुकेशन स्कीम्स अवेलेबल हैं, हेल्थ स्कीम्स अवेलेबल हैं लोगों को, या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को जो पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है, जिनका बहुत एक टारगेटेड पर्पस होता है, अगर ऐसे हम रिसोर्सेज अरेंज करेंगे कि उनके ऊपर खर्चा कम कर दें और लोगों को ट्रांसफर कर दें, फिर तो देखिए 6,000 देने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनको आप हटा रहे हो और प्राइवेट सेक्टर को आप बीच में लेके आ रहे हो। अगर आप 6,000 दे भी रहे हो उससे तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं ना है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर जो जरूरतें, जो स्पेसिफिक नीड्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। उसके लिए एक गरीब बंदे को मार्केट पे डिपेंड करना पड़ेगा। अब मार्केट में वही चीज जो आप पहले सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करते थे, अब उसको मार्केट में महंगे रेट पे खरीदनी पड़ेगी, तो उसको तो कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर 6,000 देने का। मतलब और स्कीम्स जो हेल्थ के लिए, जो एजुकेशन के लिए, या और नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए जरूरी हैं, उनको जो है उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। और देखिए अब लास्ट में बात है, अगर आपको बीच में डिस्टरबेंस आ रही है, आई एम सॉरी, बिकॉज बाहर कोई जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वही उनके शोर आ रहा होगा, कई बार बहुत ज्यादा सिर चढ़ जाते हैं, जाते भी नहीं है फिर वहीं बैठे रहते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब सिंपल बात नेक्स्ट है, देखिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। बेस्ट सोल्यूशन तो दोस्तों अब मैं सिंपल बात में कहूँ, बेस्ट सोल्यूशन तो एक ही है, दो तीन है बस।
आप सबसे अच्छा सिस्टम तो क्या है, पॉवर्टी को हटाने का, जॉब्स देना, अच्छी जॉब्स देना, और साथ की साथ क्या होना, आपका अच्छी एजुकेशन देना और अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना। बिकॉज ऐसा है कि सिंपल बात है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, उसको अफोर्डेबल रेट पे हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, तो उसको जेब में से खर्चा बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और अपनी हेल्थ वो अच्छी मेंटेन कर सकता है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो ऑब्वियसली वो काम भी अच्छा कर पाएगा, वो इनकम बढ़िया कमाएगा। और सिंपल बात ये भी है कि अगर आप क्वालिटी जॉब्स दे रहे हो, आप क्वालिटी जिससे क्या है, बंदे को इनकम हो रही है, अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो उसको फिर 6,000 देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली अच्छी इनकम हो रही है, सिक्योर इनकम हो रही है, तो फिर जरूरत ही नहीं है इस चीज की। तो बेस्ट सोल्यूशन तो दोस्तों यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ हो, एंड एजुकेशन हो। बट तब जब तक ये नहीं होता, तब तक हमें कुछ ऐसे मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर ही कह लो आप, है ना, वो तो उठाने ही पड़ेंगे। क्विक फिक्सेस जिसको आप बोल सकते हो, या बैंडेड अप्रोच बोल सकते हो, वो तो हमें लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। एंड लास्टली मैं आपको, या अपनी नीचे वीडियो के एक एक हमारा फेसबुक पे पेज भी है, इंडिया अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसका मैं लिंक दे दूंगा। प्लीज इंश्योर करें कि आप उसको लाइक करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और लास्टली मेरी एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, वो है मेरी भक्तों के लिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी की है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, कि देखिए दोस्तों, अपने माइंड को, आंखों को बंद मत करिए, खुला रखिए, देखिए कि क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या जो प्रोमिसेज हमें दिए जा रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट भी हैं या बेवकूफ बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, क्या उनकी पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेज जो हैं वो बीजेपी ने भी दिए हैं। अभी मैं सिंपल बात बता दूं, भक्तों के लिए है ये लास्ट बात, अभी जब ये न्याय स्कीम अनाउंस करी गई कांग्रेस के द्वारा, तो जो बीजेपी वाले भक्त थे हार्डकोर, उन्होंने रेस करना शुरू कर दिया, जी देखिए पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे। तो देखिए, ये तो जिम्मेवारी होती है गवर्नमेंट की। अगर सिंपल बात है, कुछ 2 महीने पहले या 4 महीने पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाई, वो उस स्कीम में क्या है कि आपके जो 50 करोड़ लोग हैं, जो जो 50 करोड़ लोग हैं, उनको पर ईयर 5 लाख रुपए, पर ईयर 5 लाख की इंश्योरेंस है हेल्थ के लिए। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। अब सिंपल बात है कि देखिए, 5 लाख कोई कम अमाउंट नहीं है, एक साल के लिए 5 लाख की इंश्योरेंस आप दे रहे हो, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अब सिंपल बात है कि रिसोर्सेज तो वो अरेंज किए गए हैं ना, अगर सिंपल मैं अगर लेकिन भक्तों के लेंस की तरफ से देखूं, उनकी उनकी लेंस डालकर देखूं, तो उनको एक स्कीम तो लगती है कि ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत कुछ चेंज कर देगी, और दूसरी स्कीम जिसका उससे भी कम खर्चा है, वो उस पे उसमें इकोनॉमिक लॉजिक लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा ये जो अपना बंद दिमाग है, प्लीज उसको खोलिए, वो किसी भी भक्त के लिए है। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज, थैंक यू।